फ्रेंड्स, आज हम लग्रांज विधि का अध्ययन करेंगे 25-25 के अंतर्गत, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, अनिर्धार्य गुणांकों की विधि, द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। क्लियर है ये लाइन है क्या है इसके अंदर। इसमें सपोज करो कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ हमने कितने ले लिए चर, तीन चर ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ u एक्स वाई जेड का फलन है, और जहाँ एक्स वाई जेड आपस में किसी एक संबंध फाई द्वारा भी संबंधित है। जब ऐसा होता है तो हम इसमें एक विधि तो वही जो पिछले लेक्चर में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जेड को एक्स वाई का फलन मान करके इसमें रख दे जेड का मान, तो यू सिर्फ एक्स और वाई का ही फलन रह जाएगा। क्लियर है। और वही विधि हम लगा सकते हैं। यहाँ भी मूल मंत्र तो वही है, लेकिन उस विधि को हम किसी और ढंग से अध्ययन करना चाह रहे हैं। यहाँ वही जेड को हम क्या मान लें, एक्स और वाई का फलन मान लें, तो एक से क्या आएगा कि यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर है ये लाइन में। और फिर एक्स वाई तो एक्स वाई के फलन है ही, और जेड भी एक्स वाई का फलन है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, तो यू इज अल्टीमेटली ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है ये लाइन में। तो आंशिक अवकलन से हम यूँ लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स। क्लियर है ये लाइन में। फिर डेल एफ ओवर डेल वाई या डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल जेड ओवर डेल एक्स, क्योंकि जेड एक्स और वाई का फलन है, तो इसलिए डेल लगा दिया है मैंने। तो यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और क्योंकि वाई स्वतंत्र चर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम एक्स के साथ एक आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा, इसका मान एक आएगा। क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ हमने यही लिखा है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स इन टू वन लिख सकता हूँ मैं, और ये वाला पद मैंने जीरो है तो इसको नहीं लिखा है। क्लियर है ये लाइन है, ये पद जीरो है तो हमने इसको यहाँ नहीं लिखा है। और उसके बाद ये वाला पद लिखा है, डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार जब मैं वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा तो एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य होगा, क्योंकि एक्स वाई के सापेक्ष अचर माना जाएगा जब हम आंशिक अवकलन करते हैं। क्लियर है। और डी वाई ओवर डी वाई एक हो जाएगा। क्लियर है ये लाइन है। और फिर डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल जेड ओवर डेल वाई। आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट दीज लाइन्स। और हम जानते हैं फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि स्तब्ध बिंदुओं के लिए, स्टेशनरी जो बिंदु हैं उनके लिए, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी जीरो और ये चीज़ भी जीरो, तो हमारे पास में ये भी शून्य और ये भी शून्य। और अब इसी प्रकार सेकंड में क्या है कि पाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ भी हमने यूँ मान लिया कि फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। क्लियर है ये लाइन है, क्योंकि जेड किसका फलन है, एक्स और वाई का फलन है, तो अल्टीमेटली फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है ये लाइन है। तो मैं इसका अवकलज करूँ, आंशिक अवकलन, तो सेम जैसे ऊपर किया है, क्या आएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई, डेल वाई ओवर डेल एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एक ही बात है, डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो लिख दिया है, तो ये तो वन हो जाएगा और ये शून्य हो जाएगा। क्लियर है। जब y का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा तो इसका मान शून्य और इसका मान एक है। क्लियर है ये लाइन है। तो शेष क्या बचेगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू वन। क्लियर है ये लाइन है। और डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसी प्रकार y के सापेक्ष करूँगा तो सेम
ये वाला पद डी वाई ओवर डी एक्स शून्य हो जाएगा, और यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स सॉरी डी वाई ओवर डी वाई एक हो जाएगा। तो यहाँ तो एक क्लियर है ये लाइन, और बाकी ये चीज़ें बच जाएंगी। और अब हमारे पास में ये इक्वेशंस आ गई 3, 4, 5 और 6। हम क्या करें, 5 और 6 को लैम्ब्डा से गुणा करके, लैम्ब्डा क्या है यहाँ पर, अब स्वेच्छाचर है या अनिधार्य गुणांक भी कहलाता है। क्लियर है ये लाइन, तो 5 और 6 को लैम्ब्डा से गुणा कर 3 और 4 में जोड़ने पर, तो मैंने इसको लैम्ब्डा से गुणा करूँ तो यहाँ लैम्ब्डा आ जाएगा, और डेल एफ ओवर डेल एक्स अब मैं ये राशि जोड़ दी मैंने लैम्ब्डा से गुणा करके। क्लियर है ये लाइन। इसी प्रकार आगे वाले पद में भी मैंने लैम्ब्डा से गुणा करके जोड़ दी और ये बाहर निकाल लिया है। क्लियर है ये लाइन। इसी प्रकार इसमें भी क्लियर है ये, यहाँ लैम्ब्डा स्वेच्छ है जैसा कि मैंने बताया, अनिधार्य गुणांक है, तो हम लैम्ब्डा का मान अपनी तरफ से सेट करना होता है। तो किस प्रकार सेट करें, एक कंडीशन लगा दें ये चीज़ शून्य हो जाए, डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस फाइव लैम्ब्डा डेल फाइव ओवर डेल जेड, ये भी और ये भी शून्य हो जाए तो क्या आएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी, दिस इक्वल टू ज़ीरो और दिस इक्वल टू ज़ीरो और दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने अपनी तरफ से सपोज़ किया है कि ये चीज़ क्या हो, शून्य हो, ताकि लैम्ब्डा का मान हम इससे आसानी से निकाल सकें। जो ही हम ये शून्य रखते हैं तो ये चीज़ भी ज़ीरो और ये चीज़ भी ज़ीरो, तो ये समीकरण आ गए 10 और 11। क्लियर है ये लाइन। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो तीन समीकरण हैं 9, 10, 11 सिमिलर टाइप हो गए। क्लियर है ये लाइन। और अब इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या चीज़ प्राप्त होगी, इन समीकरण 1, 2, 9, 10 और 11 को हल करने पर 5 अज्ञात हैं, यू एक्स वाई और जेड। क्लियर है ये लाइन। और लैम्ब्डा, इनके जो मान प्राप्त होंगे वो सब कैसे होंगे, स्तब्ध मान होंगे या एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। क्लियर है, जिन पर या तो ये उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। और इसकी जांच हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था RT-S2, उसके अनुसार इनकी जांच करते हैं। वर्किंग मेथड में हम इसको यूँ लेते हैं कि किस ढंग से सवालों को सॉल्व करेंगे। कि सपोज़ हमारे को यूँ दिया हुआ है कि यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जहाँ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन दी हुई है। हम अपनी तरफ से एक फलन मान लेते हैं जी। क्लियर है। और यहाँ लैम्ब्डा क्या होगा, अनिधार्य गुणांक होगा, और जी को हमने इस रूप में मान लिया है। यदि यहाँ एक से अधिक कंडीशन हो, सपोज यूँ कंडीशन दी हुई है कि फाई वन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, एक और कंडीशन दे रखी है फाई टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम जी किस ढंग से मानेंगे। तो जो जी है वो हम यूँ ले लेंगे कि एफ प्लस लैम्ब्डा वन फाई वन प्लस लैम्ब्डा टू फाई टू। क्लियर है ये लाइन, जहाँ लैम्ब्डा वन और लैम्ब्डा टू क्या होंगे, अनिधार्य गुणांक होंगे, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, अनिधार्य गुणांक होंगे। क्लियर है ये लाइन। तो मेरे हिसाब से स्थितियाँ स्पष्ट हैं। यहाँ हमारे पास में एक ही कंडीशन है, तो मैंने केवल लैम्ब्डा ही यूज़ किया है, और अब इसका हम एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लें, ये मानते हुए कि ये एक्स वाई जेड तीनों के तीनों स्वतंत्र चर हैं। ये ध्यान दें कि यहाँ अब एक्स वाई जेड के फलन नहीं लिए गए हैं। क्लियर है ये लाइन। और फॉर स्टेशनरी वैल्यूज़, जी का एक्स के सापेक्ष, जी का वाई के सापेक्ष और जी का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन शून्य होंगे। तो ये सारे जीरो के बराबर रखते ही ये तीन कंडीशन आ जाएंगी हमारे पास में, कि ये चीज़ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 और 5, 1 और 2 में तो क्या है, यू और फाई दिए हुए हैं। इनको हल करें, इनको हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनके स्तब्ध मान प्राप्त होंगे। क्लियर है ये लाइन। ये जो तीन समीकरण आए हैं ये वही हैं जो हमने ऊपर लिखे थे, हमने किसी और ढंग से ऊपर इसको सिद्ध किया था, यही इक्वेशंस हैं ये तीनों। क्लियर है ये लाइन। और अब उच्चिष्ट निम्निष्ठ की जांच किस तरह करते हैं, जांच करने का वही तरीका जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, कि जेड को क्या करें हम, एक्स और वाई का
फंक्शन मान लें फलन है, तो सेकंड से जो सेकंड क्या कंडीशन है हमारे पास में कि फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का मान आ जाएगा माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स अपॉन डेल फाई ओवर डेल जेड। क्लियर है ये लाइन में? तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे डेल जेड बाई डेल वाई का भी मान ज्ञात कर लेंगे और डेल जेड बाई डेल एक्स का भी मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? किससे? सेकंड से। और अब एक से हमारे पास में डेल यू बाई डेल एक्स बराबर यही चीज़ है और इसमें डेल जेड बाई डेल एक्स का मान रख लेंगे। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल वाई ये है तो इसमें डेल जेड बाई डेल वाई का मान भी रख लेंगे। रखने के पश्चात हमारे पास में क्या आ गया डेल यू बाई डेल एक्स आ गया और डेल यू बाई डेल वाई आ गया। फिर इनको एक बार और आंशिक अवकलन करें तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर आ जाएंगे। तो इनको हम क्रम से क्या मान लें आर एस टी मान लें। और हम जानते हैं स्तब्ध बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए। स्तब्ध बिंदुओं के जांच के लिए यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर धनात्मक ग्रेटर देन जीरो का मतलब धनात्मक है। क्लियर है ये लाइन में? एवं आर भी धनात्मक हो ग्रेटर देन जीरो का मतलब धनात्मक हो तो ये क्या होगा बिंदु निम्निष्ट बिंदु होगा। और किसी स्तब्ध बिंदु पर आर टी माइनस एस स्क्वायर धनात्मक एवं आर ऋणात्मक लेस देन जीरो का मतलब आर इज लेस देन जीरो मीन्स आर क्या है ऋणात्मक है नेगेटिव है तो क्या होगा ये स्तब्ध बिंदु उच्चिष्ट होगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो किसी स्तब्ध बिंदु पर तो वो आगे जांच की आवश्यकता है। और आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि ऋणात्मक है तो ये ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा अर्थात नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। क्लियर है ये लाइन है? तो इस प्रकार हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जाँच भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एक तो सवाल करेंगे तो हमें ये विधि और समझ में आएगी। आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं।